नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में बस ट्रक की टक्कर, सात की मौत, सिर कटकर अलग हुए। बस की एक साइड को चीरते निकला ट्रक, 20 घायल। 27 सवारियों से भरी बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार। बस की एक साइड को चीरते हुए ट्रक निकल गया। यह हादसा उन्नाव के सफीपुर में रविवार दोपहर को हुआ। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें 3 की हालत नाजुक है। मृतकों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने सभी को प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस बांगरमऊ से उन्नाव आ रही थी। हादसा इतना भयानक था कि एक यात्री सड़क पर उछलकर गिर गया, जिससे उसका सिर फट गया। यही नहीं, 2 यात्रियों के सिर कटकर अलग हो गए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में खाली कराए गए बेड। हादसे के बाद जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ बेड खाली कराकर रिजर्व कर दिए गए, जिससे घायलों का तत्काल बेहतर उपचार मिल सके। इमरजेंसी में डॉक्टर की टीम को भी अलर्ट किया गया है। मृतकों के पोस्टमार्टम जल्द करवाए जा सके, इसके लिए मोर्चरी में ड्यूटी डॉक्टर को भी अलर्ट कर दिया गया है। हादसों के बाद हरदोई उन्नाव मार्ग पर दोनों ओर के वाहनों को राहगीरों ने रोक दिया और घायलों की मदद करने में जुट गए हैं, जिससे सड़क पर भीषण जाम लग गया। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजना शुरू किया। इस दौरान घंटों देरी तक जाम में वाहन सवार फंसे रहे। चीखते चिल्लाते रहे घायल, बोले घर वालों को सूचना दे दो। हादसे के बाद घायल बस यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जब राहगीर उनकी मदद कर रहे तो लोग चीखते चिल्लाते कहने लगे कि घटना की जानकारी हमारे घर वालों को दे दो। इस दर्दनाक मंजर को देखकर हर कोई सहम गया। डायल 112 DCR को राहगीरों ने दी सूचना। हादसा होने के बाद आसपास मौजूद राहगीरों ने डायल 112 और जिला कंट्रोल रूम DCR को फोन करके जानकारी दी। शुरुआत में पुलिस को हादसे में 12 से अधिक लोगों के मरने की खबर मिली, जिससे पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। सफीपुर कोतवाली प्रभारी की VIP कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी। सबसे पहले उन्हें वहां से हटाकर घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। CO सफीपुर ऋषिकांत शुक्ला के मुताबिक बस UP 35T 5700 को ट्रक ने टक्कर मारी है, जिससे बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हैं। घटना की सूचना पर थाना सफीपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद ट्रक लेकर भागे चालक को पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ लिया, उसे हिरासत में ले लिया गया है। मृतकों की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। हुआ है उसमें क्या कुछ, किस तरह की पुष्टि है, कितने लोग मृतक हैं, कितने घायल हैं और बस किस तरह से कैसे एक्सीडेंट हुआ? आज रंग 28/4/2024 को जबलदीपुर के पास एक ट्रक में और बस में भिड़ंत हो गए, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं और 20 से 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें कुछ लोगों को 9 लोगों को लगभग 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव भिजवाया गया है और इतने ही लोगों को कानपुर हेलेट हॉस्पिटल भिजवाया गया है और तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई है। आवश्यक कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक ड्राइवर और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।